देशभक्ति में कोई कमी नहीं है। जितना मैं देश आगे बढ़े चाहता हूं, उतना ही आप भी देश आगे बढ़े ये चाहते हैं। लेकिन कुछ सच्चाइयां हैं जो कभी कभी सोचने के लिए मजबूर करती हैं। आप लोगों ने जो पुराने अनुभवी लोग हैं उनसे सुना होगा कि अगर किसी घर में आग लग जाए, उनकी संपत्ति पूरी जल जाए, तो कहते हैं कि वो परिवार स्वपुरुषार्थ से बहुत जल्द फिर से खड़ा हो जाता है। कष्ट होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो उठ बैठ करके अपना कारोबार शुरू कर देता है। समय रहते संकट से बाहर आ जाता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, आग लगने के बाद अगर घर को खड़ा करना है तो परिवार कर देता है, लेकिन परिवार का ही एक सदस्य अगर चोरी करने की आदत रखता है तो वो परिवार कभी खड़ा नहीं हो सकता है। भाइयों बहनों, पूरा परिवार चोरी नहीं करता है। परिवार का एकाध सदस्य परिवार के नियमों को तोड़ करके बीच बीच में से निकाल देता है, परिवार समाप्त हो जाता है। को सही कहने वाले मेरे साथियों, इसी तरह कोई भी देश बड़े से बड़े संकटों से के खुद को उबार सकता है। बाढ़ हो, भूकंप हो, कोई भी संकट हो, देश जनता जनार्दन में सामर्थ्य होता है। शासन व्यवस्था, जनता मिलकर के संकट से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अगर उस देश में कुछ लोगों को चोरी करने की आदत लग जाए, तो जैसे परिवार उठ खड़ा नहीं हो पाता है, वह देश वो समाज भी कभी उठ खड़ा नहीं हो पाता। सारे सपने टूट जाते हैं, विकास रुक जाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो ये प्रगति को रोकने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कई कड़े कदम उठाए हैं। नए कानून बनाए गए, पुराने कानूनों को और सख्त किया गया है। कितने ही देशों के साथ समझौते किए हैं, पुराने जो समझौते थे उसमें बदलाव किया गया है। विदेश में काले धन के खिलाफ कार्रवाई का क्या असर हो रहा है, इसकी गवाही स्विस बैंक के ताजे आंकड़ों से मिल रही है। स्विस बैंक ने बताया है द्वारा जमा राशि अब तक के रिकॉर्ड में सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गई है। तीस साल पहले
1997 में स्विस बैंकों ने बताना शुरू किया था कि किस देश के लोग कितना पैसा वहां जमा करा रहे हैं। पिछले साल की जो रिपोर्ट अब आई है उसके मुताबिक भारतीयों का जो पैसा वहां जमा है उसमें नया नहीं पुराना उसमें 45% कमी आई है। आपने मुझे काम दिया उस दिन से ही गिरावट का जो दौर शुरू हुआ था वो और तेज हो गया है और आपको जानकर के दुख भी होगा आश्चर्य भी होगा। 2013 का स्विस बैंक का रिपोर्ट कहता है 42% इंक्रीज था, 42% वृद्धि थी। और भाइयों बहनों अब से 2 वर्ष बाद जब स्विट्जरलैंड से रियल टाइम डाटा मिलने लगेगा तब विदेश में काला धन चना जमा करने वालों को और मुसीबत होने वाली है। आपके तो ऐसे कोई क्लाइंट नहीं होंगे मुझे विश्वास है।